रेडी रेडी स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी उसमें बाबा साहब अंबेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे। उसका परिणाम है कि आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वोटर पॉलिसी दी थी और उस वोटर पॉलिसी को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम यह जानते हैं कि भारत में बाबा साहब अंबेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलितों और पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है तो वे क्या करेंगे। इसके लिए औद्योगीकरण होना चाहिए। बाबा साहब की इस बात को मानकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे और इस देश के पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में बनाई थी, आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार की थी, और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह राष्ट्रहित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी, और यहीं पर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन में इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था। इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वह राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सदन इस बात का हमेशा ऋणी भी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया था। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का निर्णय हुआ था, और देश की युवा पीढ़ी को मतदान का योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। ब्रह्म